Assalamualaikum, welcome students. Students, आज हम change of base law of logarithm का एक problem discuss करने जा रहे हैं. ये class 9 mathematics chapter 3 का question है. तो ये question अक्सर papers में आ जाता है short question के तौर पर. तो आज हम देखेंगे हमने इसको solve कैसे करना है. यहाँ पे हमने basically क्या करना है, change of base law apply करना है. चलिए start करते हैं, इसको solve करते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने equalize करना है. और चेंज ऑफ बेस लॉ हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी बेस 2 है और इस पे इसकी बेस हमारे पास क्या है, 3 है. तो हमने इस बेस को 10 में लेके जाना है. तो हमारे पास लॉ क्या होता है, अगर इस तरह से हमारे पास कोई बेस हो और किसी नंबर का लॉग ले रहे हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जिस नंबर का लॉग आ रहा होता है उसको लिखते हैं लॉग ऑफ 3 और बेस क्या बन जाती है, 10 बन जाती है. और हम 10 को नॉर्मली राइट नहीं करते. उसके बाद इसको डिवाइड करना है किस से, लॉग ऑफ बेस. यानी हमारे पास जो बेस थी लॉग ऑफ बेस क्या आ जाएगा, हमारे पास लॉग ऑफ 2 आ जाएगा. यानी आपने क्या करना है, सिंपली लॉग ऑफ 3 लिखना है बटा लॉग ऑफ 2. इसका आप हिंट याद कर लें कि जब हमारे पास नंबर बड़ा होगा उसका लॉग ऊपर आएगा और बेस का लॉग छोटे का नीचे आएगा. उसके बाद उसको भी ऐसे सॉल्व करना है, आपने मल्टीप्लाई लिखना है और लॉग ऑफ आपने क्या लिखना है, 8. ऊपर 8 आ जाएगा, यहाँ पे नंबर है, और लॉग ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा. इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 3 ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, क्रॉस कैंसिलेशन हो सकती है. तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में कैंसिल कर देंगे. पीछे हमारे पास क्या बचेगा, पीछे हमारे पास बचना है लॉग ऑफ 8, ऊपर आएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 आ जाएगा. अब क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है. तो 8 क्या फैक्टर निकाल लें, 8 के हमारे पास क्या फैक्टर होते हैं, अगर हम इसको रफ पे सॉल्व कर लें तो हमारे पास 8 के फैक्टर निकालें, आप इसको 2 से फैक्टर निकालें, इसके 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 इज, हमारे पास 8 इसके बराबर होता है 2 रेस्ट पावर 3 के. तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे लॉग ऑफ 2 रेस्ट पावर 3 बटा लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा. अब क्या करना है, यहाँ पे हमने लॉग का जो पावर ला है, थर्ड लॉ वो यूज करना है. यानी यहाँ पे बेस की पावर है लॉग के अंदर, तो वो पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी. तो आपने नेक्स्ट स्टेप लिखना है, 3 यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ 2 बटा लॉग ऑफ 2. तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है. अब क्या करना है, सिंपली आपने लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ 2 सेम है तो इनको आप कैंसिल कर दें. हमारे पास पीछे आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा. तो ये हमारे पास बेसिक मेथड है कि अगर हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है. आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.